हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेटिंग ट्यूटर ये देखिए आज मैं आपके लिए बिल्कुल नए डिज़ाइन के अंगूठे वाली सॉक्स लेकर आई हूँ ये थोड़ा सा एंकल तक आएगा ज़्यादा हाइट तक नहीं आएगा कि ये इसी स्टाइल का है अगर आपको इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो आप ये वाली सिलाई थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं मैंने नौ सिलाई का इसमें बॉर्डर बनाया है आप चाहें तो इसमें बारह चौदह पंद्रह इतनी सिलाइयों का बॉर्डर बना सकते हैं तो ये थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा पांच नंबर के लिए है ये और इसको मैंने पचास फंदों से शुरू किया है छह नंबर के लिए भी अगर आप बना रहे हैं तो भी आप पचास नंबर से ही शुरू करेंगे और इसमें यहाँ पर एक जाली एक्स्ट्रा बना लेंगे बस इतना फ़र्क करेंगे और उससे ज़्यादा नंबर के लिए अगर आप बनाएंगे तो आप हर बार दो फंदे यहाँ एक्स्ट्रा रखेंगे और एक जाली हर बार एक्स्ट्रा यहाँ रखेंगे तो इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं इसको ये मैंने फंदे डाल के रखे हैं पचास फंदे मैंने इसमें डाले हैं डबल धागे से डालना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से डालें या डिज़ाइनर फंदे जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे डाल सकते हैं इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तीस चौबीस पच्चीस पचास फंदे हमारे ये हो गए अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे बॉर्डर हमें उल्टा उल्टा बनाना है दोनों साइड से सीधी साइड से भी हम इसको उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनेंगे ये देखिए यहां पर हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने ये पहली सिलाई कंप्लीट कर ली अब आ गए हम दूसरी सिलाई पर दूसरी सिलाई भी हम ऐसे ही बुनेंगे तीसरी चौथी सब हर सिलाई हमें ऐसे ही बुननी है जितना बड़ा भी हम बॉर्डर करना चाहते हैं मैंने इसमें नौ सिलाई का बॉर्डर किया है तो यहां पर भी मैं नौ सिलाई कंप्लीट कर लूंगी इसी तरह से दोनों साइड से उल्टा, उल्टा उल्टा बुनते हुए ये लाइन हमारी सीधी साइड हम इधर से रखेंगे तो हमारी ये पांच लाइन आ जानी चाहिए ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ गिनेंगे अगर एक दो तीन चार पाँच पांच लाइन कंप्लीट कर ली है यहाँ से अब हम दूसरा कलर लगाएंगे नौ सिलाई मैंने ये इस कलर से की है और एक सिलाई अब हम दूसरा कलर लगा के इससे करेंगे लेकिन ये भी हम पूरी उल्टी ही बुनेंगे जिस तरह से कि हम नीचे से बॉर्डर बुनते आ रहे हैं तो बॉर्डर की हमारी ये दस सिलाई हो जाएंगी नौ सिलाई हमने ग्रीन कलर से बनाई और एक सिलाई हम ये ऑफ वाइट से बना रहे हैं जब हम दूसरी साइड आएंगे तो हम इसमें जाली बनाएंगे ये देखिए एक सिलाई हमने इस कलर से कर ली पूरी उल्टी बुनते हुए अब सीधी सिलाई से हमें ये जालियाँ शुरू करनी है देखिए जालियाँ कैसे शुरू करेंगे हम इसमें सबसे पहले हमें इक्कीस फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बना लेंगे ये हमारे तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस इक्कीस बंदे हो गए अब हम यहाँ पर बनाएंगे जाली धागा हम आगे ही रखेंगे और इसको पीछे की तरफ बुनेंगे सीधा बुनेंगे नहीं और ये यहाँ से सीधा बुन दिया ये हमारी जाली बन गई और एक फंदा बढ़ गया एक फंदा हमें अभी और बुनना है दो फंदे सीधे बना देंगे हम ये जाली बनाते हुए अब धागा आगे लेंगे यहाँ हमें उल्टा बुनना है लेकिन जाली भी बनानी है तो हम एक बार और सिलाई के ऊपर से इस तरह से घुमा लेंगे धागा और इसको बुन देंगे बीच में बुनेंगे हम चार फंदे उल्टे ये देखिए ये चार फंदे बुन दिए और फिर से हम यही इसी तरीके से जाली बनाएंगे धागा आगे ही रखेंगे पीछे की तरफ सीधे यानी दो फंदे बुन देंगे फिर धागा आगे लेंगे सिलाई के ऊपर से एक बार और लेंगे और इसको उल्टा बुन देंगे सारे जो बीस इक्कीस फंदे हमारे बचे वो भी हम उल्टे बुन देंगे और इसकी उल्टी सिलाई हमें फिर ग्रीन कलर से शुरू करनी है यहाँ से इक्कीस फंदे इक्कीस हमारे शुरू में आए थे इक्कीस हमारे बाद में आएंगे बीच में चार फंदे आएंगे दो दो फंदे ये सीधे आएंगे ये देखिए ये हो गई हमारी इस कलर की दो सिलाई अब आगे ये वाला कलर शुरू करेंगे दो दो सिलाई ही हमें हर कलर से करनी है ये वाला कलर से बनाएंगे और पूरी यहाँ से ले कर यहाँ तक उल्टी बुन देंगे जो हमारे जाली के फंदे हैं उनको भी हम बुन देंगे और जो और फंदे हैं वो भी सारे हमें उल्टे बुनते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है ये देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है ये ग्रीन कलर से इसी तरह हमें हर बार रिपीट करना है दो सिलाई इस कलर की दो सिलाई इस कलर से लेकिन हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे पहले ये वाले कलर से और सीधी सिलाई में फिर जाली बना देंगे हर बार हमें यही करना है अब देखिए यहाँ पर हमने 21 फंदे बुने थे सबसे शुरू में अब तो फिर से बुनेंगे तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस इक्कीस फंदे हो गए हमारे अब ये आ गया हमारा जाली का फंदा तो इसको भी हमें उल्टा ही बुनना है क्योंकि फंद जाली हमें ये वाले फंदों पे डालनी है इसको उल्टा बुनेंगे यानी कि एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया अब धागा आगे ही रखेंगे वही करना है हमें हर बार इन दो फंदों पे जाली बनानी है धागा आगे ही रखेंगे और ये बुन लेंगे दो फंदे सीधे एक फंदा ये बढ़ गया और यहाँ जाली भी बन गई अब ये जाली वाला फंदा है पहले ये इक्कीस फंदे थे और ये एक जाली का तो यहाँ पर भी ये बाईस फंदे हो जाएंगे और ये दो फंदों के बिल्कुल एकदम बाद में ये इस तरह से सलाई के ऊपर लपेट के धागा लेंगे और ये जाली का फंदा भी बुनते हुए हम ये सारे फंदे बुन देंगे जो बीच के हमने चार फंदे लिए थे अब ये हमारे छः फंदे हो जाएंगे देखिए तीन और तीन छः ये हमारे फिर से दो फंदे सीधे आ गए धागा आगे ही रखेंगे और दो तो फंदे सीधे बुनेंगे फिर से धागा आगे रखेंगे और एक बार और सलाई के ऊपर से लेंगे और इस तरह से इसको बुनते हुए ये सलाई कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी सलाई हम फिर ऑफ वाइट से बुनेंगे इस तरह से हमारी ये हर सीधी सिलाई पे हमें चार जाली बनानी है एक दो तीन चार यानी कि हर सीधी सिलाई पे हमारे चार फंदे बढ़ जाएंगे बढ़े हुए फंदे हमारे एक इधर आएगा एक इधर आएगा दो बीच में आएंगे यानी पहले हमारे ये बीस फंदे थे अगली बार हम इक्कीस फंदे थे पहली बार अगली बार हमारे बाईस फंदे हो गए जब उससे अगली बार आएंगे तो तेईस हो जाएंगे उससे अगली बार आएंगे तो चौबीस हो जाएंगे हर जाली पे एक फंदा एक्स्ट्रा होगा इसी तरह से इस तरफ होंगे और जो बीच है ये बीच में इस बार हमारे चार फंदे थे पहले फिर छः फंदे हो गए फिर आठ फंदे यहाँ पर हमारे दो दो फंदे बढ़ेंगे यानी चार फंदे बढ़ रहे हैं हर सिलाई हर सीधी सिलाई पे एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा दो बीच में हो जाएंगे बढ़े हुए फंदे आपको इस तरह से एडजस्ट करने हैं और इसी तरह से आप दो दो सिलाई बुनते हुए दो दो सिलाई का ये आप चार चाहें तो चार चार सिलाई का भी कर सकते हैं आप चाहें तो इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे और यहां से फिर दूसरा कलर शुरू कर देंगे उल्टी सिलाई हर बार पूरी उल्टी बुननी है और कलर चेंज करते हुए बुननी है इस तरह से ये देखिए इस तरह से बुनते हुए हमने ये दो दो सिलाई यहाँ देखेंगे आप ये चार सिलाई से बढ़ते बढ़ते इतने फंदे हो गए ग्यारह जाली मैंने इसमें बनाई है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह यानी हमारी ये जितनी लाइन बनेंगी उतनी ही जाली बनेगी बड़ा बना रहे हैं आप तो ये बड़ी बन ज़्यादा हो जाएंगी जाली छोटा बना रहे हैं तो ये जाली कम कर सकते हैं अब हमने उल्टी सिलाई ये ग्रीन कलर से पूरी उल्टी बना ली है और सीधी सिलाई अब हम बनाएंगे उसमें हमें कोई भी जाली नहीं बनानी है पूरी सलाई हमें उल्टी बुन देनी है क्योंकि हमारी ये जाली कंप्लीट हो गई है अब हमें इनको फंदों को अलग अलग बुनना है एक उंगली की साइड और अंगूठे की साइड सारे फंदे इसी तरह से उल्टे बुनते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे जो जाली के फंदे हैं वो भी उल्टे बुंदेंगे और जो बीच के दो फंदे सीधे ले जा रहे थे हम वो भी हम उल्टे बुंदेंगे ये जाली वाला फंदा भी मैंने उल्टा बुन दिया और जो ये दो सीधे फंदे आ रहे हैं इनको भी उल्टा बुनेंगे जो ये जाली का फंदा आएगा इसको भी उल्टा बुनेंगे सारे फंदे हमने उल्टे बुन के और ये कंप्लीट कर लेनी है सिलाई ये वाले फंदे भी ऐसे ही बुनेंगे और एंड तक ऐसे ही बुनते जाएंगे ये देखिए सीधी सिलाई से सीधी तरफ से हमने पूरी सिलाई उल्टी बुन के और अब हम आ गए उल्टी तरफ ये मैंने हाफ सिलाई इसमें बुनी है आधे आधे फंदे बुने हैं यानी कि हम अब आधे आधे फंदे अलग अलग बुनेंगे ये फंदे हम अलग बुनेंगे ये फंदे हम अलग बुनेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस छियालीस और एक सैंतालीस फंदे हैं फोर्टी सेवन फंदे हैं ये हमारे और फोर्टी सेवन इधर हैं ये हमारे टोटल फंदे हो गए तो अब हम इन्हें यहीं से वापस करेंगे इसको और यही फंदे हम बुन लेंगे इसकी आप चौदह या सोलह सिलाई कंप्लीट करेंगे ज्यादा बड़ा साइज बना रहे हैं तो आप इसकी अट्ठारह सिलाई तक भी बुन सकते हैं जैसे सात आठ नौ नंबर तक का बना रहे हैं तो आप इसकी अट्ठारह सिलाई भी बुन सकते हैं चार नंबर का बना रहे हैं तो चौदह बुन लीजिए पाँच छः नंबर का बना रहे हैं तो सोलह बुन लीजिए इस तरह से आप ये सिलाइया एडजस्ट कर सकते हैं बुनना हमें उल्टा उल्टा है अब यहाँ से हम दूसरा कलर नहीं लगाएंगे एक ही कलर लगा के ये बुनेंगे ये देखिए इस तरह से अब हमारी ये दो लाइन कंप्लीट हो गई एक तो हमने पूरी नीचे से बनाई और अभी हमारी एक लाइन और कंप्लीट हो गई अभी मैं ये वाला भी धागा इसमें जोड़ना दिखा देती हूँ कि कैसे जोड़ना है फिर मैं दोनों बना के तब आपको दिखाऊंगी यहाँ से हमें जब हमारा ये पूरा हो जाए तो हम इसको बंद कर देंगे ये सारे फंदे और इसमें से धागा तोड़ के फिर हम यहाँ पर धागा लगाएंगे और यहाँ से इसको हम अलग बुनेंगे और उसको हम अलग बुनेंगे दोनों पैर ये एक जैसे ही बुने जाएंगे इसमें कोई भी राइट या लेफ्ट नहीं होता है तो आप दोनों साइड से एक जैसा बना के इसको कंप्लीट करेंगे इसी तरह से हमें बुनना है कोई भी फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है बस ये दोनों साइड से ये वाले फंदे अलग बुनेंगे और ये वाले फंदे अलग बुनेंगे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से ये देखिए यहाँ से हमने इसकी आठ लाइन कंप्लीट की एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये नौवीं लाइन हमारी इससे कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि हमारा ये एक लाइन तो हमने पूरे फंदों की बुनी थी और उसके बाद की सात लाइन हमने इसकी बुन ली आधे आधे फंदे दोनों साइड करके और उसके बाद हमें इस तरह से ये दो फंदे एक साथ लेंगे फिर बंद करेंगे दो फंदे एक साथ लेंगे फिर बंद करेंगे इस तरह से हमें ये सारे फंदे बंद करने हैं लेकिन बहुत ही ढीली ढीले बंद करने हैं हमें टाइट नहीं बंद करने हैं या आप देख सकते हैं कितना भी हम इसको खींच सकते हैं तो हमें बिल्कुल लूज़ बंद करने हैं और दोनों साइड हमारी ये अलग अलग बुनी जाएंगी अब करेंगे हम इसकी सिलाई इस तरह से डबल करके और यहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे यहाँ से करते हुए यहाँ से लाएंगे और इतना छोड़ते हुए हम इसकी यहां से सिलाई कर लेंगे ये देखिए जो हमने ये फंदे बंद किए हैं ये एक चेन जैसी जो हमें दिखाई देगी ये वाली इसके फंदे उठाते हुए एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे इसी तरह से हमें ये वाला सिलना है जो हम ये बिना बुने फंदे लेते हैं व्हाइट के साथ हमें व्हाइट मिला के और ग्रीन के साथ ग्रीन मिला के ये भी हमें इसी तरह से सिल लेना है जैसे कि हम ये यहाँ से सिल रहे हैं देखिए यहाँ से ये यहाँ तक हमने सिल लिया है इतना हमने ये छोड़ दिया अब हमें इसको इस तरीके से सिलना है इधर से घुमाएंगे यहाँ से और ये ये इधर से लाके और इधर तरह से सिलेंगे हम इसको इसमें भी हमें ऐसे ही जो हमने ये बिना बुने फंदे ले रखे हैं इसमें एक, -एक फंदा उठाते हुए इसको हम सिल लेंगे बस यहां बीच में ध्यान रखें यहां सही से टाके लें ताकि यहां पर कोई होल ना रहे इस तरह से सिल के हम ये तैयार कर लेंगे अब हमारी सॉक्स हो गई है कंप्लीट। ये देखिए ये इस तरह से हमने इसमें पहना के बिल्कुल अच्छी सी फिटिंग के वाली सॉक्स बनेगी है देखिए उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू